अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हीना। फ्री ऑनलाइन कुकिंग क्लास कुकिंग के बीसीडी में आज हम सीखने वाले हैं मिक्स वेजिटेबल्स की सब्ज़ी, या फिर आप इसे मिक्स वेजिटेबल कोरमा भी बोल सकते हैं। तो इसमें मैंने मेजरमेंट थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, 8 से 10 लोगों का मेजरमेंट है, उस हिसाब से मैं यहाँ पर सिखाऊँगी और साथ में आपको बताऊँगी भी कि इसमें आप 1-2 लोगों के लिए भी किस तरह से बना सकते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। अगर घर पर कोई मेहमान आने वाले हैं तो आप इस वाली सब्ज़ी को बनाकर खिलाइए, मेहमान बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। तो चलिए अब इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम यहाँ पे सब्ज़ी देखेंगे कि हमें कौन सी सब्ज़ी यहाँ पे लगने वाली है और साथ में हमने इसे किस तरह से कट करना है ये भी देखेंगे। तो फ्लावर लिया है मैंने 1/2 किलो, तो फ्लावर को बड़े वाले हिस्सों में कट करके लेना है, नहीं तो ये सब्ज़ी में गलने के बाद पिघल जाएगी तो ये दिखेगी भी नहीं। तो इसीलिए इसके टुकड़े हमें बड़े साइज़ में करके लेना है। यहाँ पे मैंने आलू लिए हैं 4 बड़े वाले, तो आलू को भी मैंने बड़े वाले टुकड़े में कट करके लिया है। और यहाँ पे लिए हैं मैंने 2 गाजर, तो यहाँ पे गाजर को लेते वक्त ना इसे लंबाई में या फिर आप इसे स्क्वायर शेप में भी कट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए थोड़ा सा मोटा ही रखिए क्योंकि गलने के बाद पिघल जाता है। तो उसके बाद यहाँ पे मटर लिया है, आप चाहे तो जो सूखे वाले मटर होते हैं वो भी ले सकते हैं, लेकिन उसे ओवरनाइट या ओल्ड डे के लिए भिगाने के लिए रखिए। तो यहाँ पे लिए मैंने 1/2 किलो मटर। तो ये जो कोरमा रेसिपी है ये लगभग 1 किलो सब्जी के बराबर बन जाएगी। तो उस हिसाब से हमें यहाँ पे लहसुन लेना है, तो वज़न में मैंने 200 ग्राम लहसुन लिया है। तो अब इन लहसुन को मिक्सर जार में डाल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं अदरक, लहसुन से हमेशा अदरक को कम लेना है, इसीलिए यहाँ पे मैं 180 ग्राम यहाँ पे अदरक ले रही हूँ। तो देखिए अगर आप मुठ से मेजरमेंट करेंगे तो आप यहाँ पे 2 मुठ लहसुन ले लीजिए और 1.5 मुठ अदरक ले लीजिए। आप इसकी फाइन पेस्ट बना कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें सूखा नारियल या फिर नारियल थोड़ा सा, मतलब 2-3 चम्मच के करीब आप डाल सकते हैं अच्छे टेस्ट के लिए। तो यहाँ पे मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। अब उसमें डाल रही हूँ मैं 1 चम्मच नमक। तो जैसे ही पानी का उबाल आता है पानी को अच्छे से गर्म करके लेना है, गैस की फ्लेम हाई टू मीडियम रखते हुए। तो देखिए पानी यहाँ पे अच्छे से गर्म हो गया है। अब मैं उसमें डाल रही हूँ सोया चंक। तो यहाँ पे मैंने 1/2 कटोरी सोया चंक लिया है और ये छोटे वाले हैं, आप चाहे तो बड़े वाले भी ले सकते हैं। बड़े वाले लेंगे तो सब्ज़ी में और भी फूलने के बाद और भी ज़्यादा बड़े दिखने लगेंगे, इसलिए यहाँ पे मैंने छोटे वाले लिए हैं ताकि सारी सब्ज़ी के साथ ये पूरी तरह से मैच हो जाए। तो अब इसे हमें मिक्स करके लेना है और फौरन ही गैस की फ्लेम बंद करके इसे 10 मिनट के लिए ढककर रखना है ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो गैस की फ्लेम ऑन नहीं रखनी है, नहीं तो ये पूरी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे तो उसका जो टेस्ट है वो भी चला जाएगा। तो देखिए 10 मिनट बाद इसे चेक कर रही हूँ किस तरह से फूले हुए हैं। तो उसके बाद इसे पानी में से निकाल कर लेंगे और ठंडे पानी से इसे धो कर लेंगे, या फिर आप इसे ऐसे ही ठंडा कर सकते हैं। तो मैंने इसे यहाँ पे पानी में से निकाल कर लिया है, ठंडे पानी में से। तो उसके बाद देखिए जो एक्स्ट्रा पानी होता है ना उसका, ये वाला सारा पानी हमें इसे निकाल कर लेना है। तो इस तरह से इसे प्रेस करके इसमें का सारा पानी निकाल कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने सारा पानी निकाल कर लिया है सोया चंक से। आप उसे फ्राई करेंगे, तो यहाँ पे मैंने प्याज को फ्राई किया था कढ़ाई में, उसी में मैं अब यहाँ पे सोया चंक को फ्राई करके ले रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे गैस की फ्लेम लो टू मीडियम करते हुए अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर आना चाहिए, उतना इसे हमें फ्राई करके लेना है और साथ में ना ये क्रिस्पी भी होने चाहिए उस तरह से। तो ये तेल में डालते ही फौरन ही गोल्डन ब्राउन कलर में दिखने लगते हैं, लेकिन हमें अच्छा वाला गोल्डन ब्राउन कलर चाहिए, इसीलिए लो फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन कलर लाएंगे ना तो ही बेहतर है। तो यहाँ पे ज़्यादा जल्दबाजी मत कीजिए। तो देखिए अब इसे इस तरह से गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है और ये क्रिस्पी भी बन गए हैं, अंदर से सॉफ्ट होंगे और ऊपर से क्रिस्पी, इस तरह से ये रहना चाहिए। अब यहाँ पे सारी सब्जियों की तैयारी हो गई है, मसाला भी पिसकर हुआ है। तो यहाँ पे मैं बड़ा वाला पतीला ले रही हूँ और मैंने प्याज को फ्राई करके लिया, उसके बाद सोया चंक को फ्राई करके लिया, वही तेल यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ। तेल जैसे ही गर्म होता है तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 तेज़पत्ते, 2 से 3 इंच के करीब दालचीनी का टुकड़ा, 3 छोटे इलायची, 2 बड़े इलायची, 5 से 6 लौंग, 5 से 6 काली मिर्च। तो देखिए यहाँ पे मैंने प्याज को अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर में फ्राई करके लिया है। अगर आपने अभी तक प्याज को किस तरह से गोल्डन फ्राई करते हैं वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देखिए, साथ में मैंने बिरयानी की वीडियो में भी बताया है कि प्याज को किस तरह से फ्राई करके लेना है। तो यहाँ पे मैंने 1/2 किलो प्याज लिए हैं क्योंकि 1 किलो सब्जी यहाँ पर बनकर तैयार होगी, उस हिसाब से मैंने 1/2 किलो प्याज लिए हैं। आप चाहे तो प्याज को गोल्डन ब्राउन ना करते हुए ऐसे ही डालकर इसी तेल में आप इसे गोल्डन ब्राउन कर उसके बाद आप यहाँ पे बाकी के प्रोसेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 हरी मिर्च ली है और इसे मैंने चीला लगा कर लिया है। साथ में यहाँ पे मैंने बड़े साइज़ के 3 टमाटर को बारीक कट करके लिया है, टमाटर बारीक कट करना है ताकि वो अच्छे से गल जाए। तो देखिए यहाँ पे टमाटो भी अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। उसके बाद जो हमने मसाला पीस कर लिया था ना,
अदरक और लहसुन का पेस्ट वो डाल रही हूँ। तो देखिए इस तरह से बड़ी वाली कटोरी होनी चाहिए या फिर आप बड़े वाले 5 से 6 चम्मच ये मसाला होना चाहिए, उतना हमें मसाला लेना है। तो यहाँ पे अगर मसाला कम होगा तो सब्ज़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। तो हर बात का अच्छे से ख्याल रखते हुए हमें ये सब्ज़ी बनानी है। तो देखिए मसाले को गैस की फ्लेम हाई टू लो करते हुए अच्छे से भून कर लेना है साइड से तेल निकलने तक। और जैसे ही साइड से हल्का सा तेल निकलने लगता है उसमें डालेंगे हल्दी 1/4 चम्मच डालेंगे। तो उसे भी अच्छे से मिक्स करके लेना है। मसाला ना दानेदार होना चाहिए, उतना हमें इसे यहाँ पे भून कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे मैं छोटे वाले 2 चम्मच कसूरी मेथी डाल रही हूँ, उसे भी मिक्स करके लेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे मैं 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। तो देखिए साइड से कितने अच्छे से तेल निकल रहा है। तो अगर आपको यहाँ पे मसाला थोड़ा सूखा लगे तो आप यहाँ पे पानी की कुछ बूंदें डाल सकते हैं। तो लाल मिर्च पाउडर आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कीजिए, या फिर आपके घर में किस तरह से तीखी है उस हिसाब से भी आप यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अच्छे कलर के लिए आप 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए मसाला किस तरह से दानेदार हुआ है और कलर भी बहुत ही बढ़िया आया है। उसके बाद यहाँ पे मैं डाल रही हूँ बड़े वाले 2 चम्मच दही डाली है मैंने, इसे फेट कर लिया है। और ये डालते वक्त गैस की फ्लेम हमें लो करनी है, या चाहे तो आप गैस को बंद भी कर सकते हैं और फौरन ही इसे फटाफट मिक्स करते जाना है। तो ध्यान रखें अगर आप फीका खाते हैं, ज़्यादा तीखा नहीं खाते हैं, तो दही डालने की वजह से तीखापन और भी थोड़ा कम हो जाता है। तो उस हिसाब से आप यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर को डाल सकते हैं। तो देखिए इसे अच्छे से मिक्स करके लेना है। अब साइड से बहुत ही अच्छे से तेल निकल रहा है, खुशबू भी बहुत ही बढ़िया आ रही है। अब इसमें डाल कर लेंगे मिक्स वेजेस। तो देखिए मैंने सारे वेजेस को नमक के पानी में डाल कर रखा था और सारा पानी निकाल कर लिया है। अब इसमें डाल रही हूँ मैं बड़े 2 चम्मच गरम मसाला पाउडर या फिर किचन किंग मसाला पाउडर, या फिर आप यहाँ पे मीट मसाला भी यूज़ कर सकते हैं, रेडीमेड वाला कोई भी। तो उसके बाद यहाँ पे नमक 1/2 चम्मच डाल दिया है। अगर आप पहली बार खाना बनाना सीख रहे हैं तो 1 चम्मच डालिए। आगे स्टेप होती है उसकी नमक चेक करने की, उस वक्त बाकी का 1/2 चम्मच या फिर ज़रूरत के हिसाब से डाल सकते हैं। तो गैस की फ्लेम लो पे करते हुए इसे अच्छे से मिक्स करके लेना है और विदाउट पानी के इसे 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ढककर पकाना है, ताकि ये मसाला और ये सब्ज़ी इसी में मैरिनेट हो जाए अच्छे से। तो देखिए साइड से तेल निकल रहा है। तो 1.5 मिनट बाद मैं इसे चेक कर रही हूँ और वापस से इसे मिक्स करके लेंगे ताकि नीचे से जले ना। अब इस स्टेज पर मैं यहाँ पे धनिया पत्ती डाल रही हूँ। तो कम से कम 2 मुठ उतनी धनिया पत्ती लिए है मैंने, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद सोया चंक डाल रहे हैं। सोया चंक को हमेशा लास्ट में डालना है क्योंकि पानी में फूल जाते हैं। तो यहाँ पे मैं 1.5 गिलास पानी ले रही हूँ। अगर आपको और भी ज़्यादा पतली सब्जी चाहिए तो यहाँ पर और भी ज़्यादा पानी ले सकते हैं। तो ये मिक्स वेजिटेबल की सब्ज़ी मुझे थोड़ी सी ग्रेवी टाइप में चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे कम पानी डाला है। और ध्यान में रखें हमारे यहाँ पे सब्ज़ी भी गलने बाकी है, तो उस हिसाब से ही यहाँ पे पानी डाल कर लीजिए। ज़्यादा भी मत डालिए और ज़्यादा कम भी नहीं। तो इसे मिक्स करके लेंगे। अब गैस की फ्लेम लो पे रख के इसे ढककर पकाएंगे ना तो ये सब्ज़ी आराम से गल जाएगी, इसीलिए यहाँ पर मैंने 1.5 गिलास पानी यूज़ किया है। सब्ज़ियाँ गल नहीं रही है तो आप बाद में इसे ठंडा पानी यूज़ ना करते हुए गर्म पानी डालिए, ताकि कुकिंग प्रोसेस कंटिन्यू रहे और सब्ज़ी भी अच्छे से गल जाए। तो देखिए माशाल्लाह तेल भी बहुत अच्छे से निकला हुआ है और साथ में ग्रेवी भी परफेक्ट बनी हुई है। तो मैंने इसे 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाने के लिए रख दिया था। तो सब्ज़ी का पानी ग्रेवी सब बराबर से है माशाल्लाह। तो देखिए यहाँ पर अभी हमें सब्ज़ियाँ चेक करनी है गली है या नहीं, साथ में इसी स्टेज पे नमक भी चेक कीजिए। अगर नमक में कुछ कम लगे तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो देखिए इस तरह से सब्जी अच्छे से गला कर लेना है। सब्जियाँ ज़्यादा गली हुई अच्छी नहीं लगती है क्योंकि पूरा टेस्ट चला जाता है और ये ठंडा होने के लिए काफ़ी समय लगेगा, तो उस स्टेज में भी ये गल जाती है फिर से। तो इसी हिसाब से हमें यहाँ पे सब्जियों को गला कर लेना है। तो देखिए गाजर मटर आलू सब कुछ अच्छे से गल गए हैं। आप यहाँ पे अपने हिसाब से कोई और सब्ज़ी भी ऐड कर सकते हैं और इसमें से कोई सब्ज़ी स्किप भी कर सकते हैं। बनाने का प्रोसेस सेम टू सेम है, लेकिन सब्ज़ी अपने हिसाब से चॉइस के हिसाब से आप डाल सकते हैं। तो देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छा बना हुआ है। अब गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। तो देखिए आप इसे पराठे के साथ, रोटी के साथ या फिर पूरी के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो में ज़रा सा भी कुछ सीखने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और साथ में चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये सब्ज़ी कम लोगों के लिए यानी 4 लोगों के लिए बनानी है तो आप यहाँ पर सब्ज़ी 1/4 किलो ना लेते हुए आप सब्ज़ी को यहाँ पर
100 ग्राम सब्जी ले सकते हैं, या फिर आपने हिसाब से जो सब्जी आपको ज़्यादा पसंद है वो ज़्यादा डाल सकते हैं, और बाकी की सब्जी जो पसंद नहीं वो कम डाल सकते हैं उस हिसाब से। लेकिन ज़्यादा सब्जी डालेंगे और मसाला कम होगा तो भी उसका टेस्ट चला जाता है। तो इस हिसाब से अगर आप 4 लोगों के लिए बनाएंगे तो हर एक सब्जी आप 100 ग्राम की ले लीजिए। तो हमें यहाँ पे सब्जी और मसाला दोनों को बैलेंस में रखना है, मसाला ज़्यादा सब्जी कम ऐसे भी नहीं होना चाहिए। तो इस बात का ख्याल रखते हुए परफेक्ट तरीके से खाना बनाना सीखना है। अगर आपके पास वज़न नहीं है, आप वज़न से नहीं ले सकते, तो फिर आप एक कटोरी या फिर कोई प्लेट रखिए जो सब बराबर से आप डाल सके। तो इसी तरह से खाना बनाते रहिए और खाते रहिए। जज़ाकअल्लाहु खैरू।